हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी। सर, नवजोत सिंह सिद्धू और काफ़ी फेमस फिल्म स्टार्स, एक्टर्स को और लीडर्स को भी शायद इमरान खान की तरफ से अब इनविटेशन आएगा उस सेरेमनी के लिए, क्या उन्हें जाना चाहिए सर, एक चांस देना चाहिए इस डिसीजन को? नहीं, वैसे दाऊद इब्राहिम भी इन्विटेशन देते हैं और ये देश के साथ मेरी राय में गद्दारी है। गद्दारी है सर, ये तो बड़ा वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। नेचुरली ट्रेटरस। क्यों सर? क्योंकि वो लोग हमारे इमरान खान और उनके रहनुमा जो हैं वो हमारे सोल्जर्स को, हमारी जवानों को गोली से मार रहे हैं कश्मीर में। हमारी इसको वहाँ जो व्यवस्था है स्कूलों का, मार्केट का, सबको उड़ा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जा सकते हैं उनके साथ, उनके इसमें खुशी मनाने के लिए? और वो भी झूठा चुनाव हुआ है। जो भी ऑब्जर्वर्स आए हैं सबने रिपोर्ट दिया है कि रिगिंग हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं हम तो क्रिकेटर रहे हैं, काम किया है, तो उनको भी आप बोलेंगे कि गद्दारी? आप क्या लगता है? मैं कहूँगा कि नवजोत सिद्धू सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और अब मिनिस्टर भी रैंक पोजिशन में है। ऐसे व्यक्ति जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं उसको गद्दारी कहूँगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन आता है, भाजपा के नेताओं को अगर आता है इनविटेशन, वो किस तरह डिसाइड करें, क्या उन पे भी आपका ये वर्ड लागू होगा? नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है उनको नहीं जाना चाहिए जी। अब उनके जो सरकार के वो राष्ट्रहित में क्या ठीक समझते हैं मैं नहीं जानता, परंतु मैं ज़रूर कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए और सारे कुल मिलाकर देखनी चाहिए। ये व्यक्ति वही है जो मिलिट्री और ISI और हफीज सईद जैसे लोगों ने उसको बढ़ावा दिया है, उसको आगे बढ़ाकर बैठाया गद्दी में और चुनाव में धांधली हुई है। ऐसे देश के साथ जब SAARC मीटिंग हम नहीं कर पाए जी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान आएगा, तो यहाँ कैसा हम वहाँ जा सकते? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को भारत जानता है बहुत सालों से, तो एक चांस ज़रूर दिया जाए उनके। अभी जो उनकी बातें हैं वो सुनने में लग रहा है कि ही मीन्स वेल, तो क्यों ना एक चांस तो दिया जाए इससे पहले कि पहले ही रिश्ते ख़राब कर दिए। देखिए, ये मूर्खता हम इतिहास से सीखना चाहिए। यही सलाह दी थी राणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को, उन्होंने मोहम्मद गोरी को कई बार माफ़ किया था। अच्छा, आप इतना पीछे थे। और क्या, क्यों, इतिहास से तो सीखना चाहिए। अच्छा। हम पत्रकार नहीं हैं कि जो आज से कल से रहते हैं। चलिए सर, पत्रकार ना सही, नेता ही सही। तो राजनेता जो हैं और नेता जो हैं उन सबका ये कहना है, एटलीस्ट सुब्रमण्यन स्वामी का ये कहना है कि गद्दारी होगी अगर अभी कोई इमरान खान का इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है। और उनका ये भी कहना है कि इस विषय पर इतिहास ज़रूर देखा जाए। तो अब देखते हैं कि इमरान खान का अगर इनविटेशन आता है उस सेरेमनी का 14 अगस्त के लिए, क्या उसमें भारत के नेता जाएंगे या नहीं। आलोक भटनागर के साथ पूजा शाली आज तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।